लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मे आई कम इन? कम इन। हाँ मिस्टर सान्याल, आइए आइए। मैं अभी अभी होटल पहुंचा। हाँ नीचे से पता चला। दत्त साहब, मैं ये खबर देने को आया कि आप दार्जिलिंग जाने से पहले जो सीन दे गए मैंने उसका शूटिंग कर लिया और कल शाम को मैंने प्रोजेक्शन भी रख लिया। आप देख लीजिए आपको पसंद आता है या नहीं। जरूर पसंद आएगा। सन्याल साहब, मेरे मकसद को कामयाब करने के लिए जो आप मेरी मदद कर रहे हैं वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। इसमें हम क्या क्या, आप ही तो सुनीता देवी पर जादू कर दिया। आप कलकत्ते से बाहर जाने के बाद कम से कम 10 टेलीफोन मेरे पास आ चुके हैं और कल रात को सुनीता देवी कह रही थी सोनियल दा दत्त साहब दार्जिलिंग क्यों गए। मैंने थोड़ा मजाक भी कर दिया, मैंने कहा कविता लिखने को। हाँ सुनील साहब, प्रोजेक्शन में सुनीता देवी को जरूर बुलाइएगा। मगर इसमें तो उनका काम नहीं, वो क्यों? अच्छा वो आएगी आएगी, आप आ गए सुनकर जरूर आएगी। एक बात और है, कल के प्रोजेक्शन में आपके वो है ना रंजीत मल्लिक, वो भी आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ, वो तो कहने से पहले आ जाएगा, तो फिर मैं चलता हूं। कुछ कहा? जी नहीं। तो मैं चलता हूं। हेलो, मैं सुनीता बोल रही हूँ। ओ कहिए। आप अभी भी लौटे हैं? जी हाँ। कैसे हैं आप? सुनिए, आप दार्जिलिंग क्यों गए थे? जी वहां मेरे एक दोस्त का बेटा पढ़ता है, उसी से मिलने गया था। लगता है आप मेरे बारे में काफी खबरें रखने लगी हैं। बस साहब, मैं एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ। क्यों, कोई खास बात? हाँ जी हाँ, मैं पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ, उस दिन अधूरी रह गई थी। इसलिए उस कहानी का अंजाम क्या हुआ ये जानने के लिए बेचैन है आप? वक्त आने पर बता दूंगा। और हाँ सुनीता देवी, कल शाम को हमने अपनी फिल्म का प्रोजेक्शन रखा है, मैंने मिस्टर सन्याल से कहा है कि आपको जरूर बुलाएं। आप आएंगे ना? क्या बात है? जी आऊंगी। थैंक यू। स्टार्ट साउंड रनिंग रातेर गाड़ी 76/1 टेक 3। ऐसो এবার সত্যি করে বলো দেখি বন্ধু, হঠাৎ নিজের পকেটের মাল খরচা করে আমাদের অজন্তা এলোরা নিয়ে চলেছো, বলি উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা আবার কি, তুই তো জানিস আমি দিলদার, সব সময় দয়ার হাতে পয়সা হাতে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, তবে বন্ধুর জন্য নয়, যদি বন্ধুর বউটি একটি সুন্দরী মাল হয়। আহ অমিত, দু চার চামচ পেটে গেলে সব সময় উল্টো পাল্টা বলতে শুরু করে। রেখা এই কথাই বলে, ও ও নাকি শুনেছে যে মদ পেটে পড়লেই মানুষের ভেতরে সত্যিটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এই যে তুমি রঞ্জিত মল্লিক হো, ইউ জাহির করতে হো কি তুম ধর্মরাজ ইউধিষ্ঠির কে বেটে হো, সচ সচ বলা দো তোমারে ইরাদে ক্যা হ্যায়? आज तो मैं इस बात का फैसला करके ही रहूं। इससे पहले कि फैसला हो जाए,
रंजीत, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने खुद ही उन्हें धक्का दिया था। अब ये सब बातें सोचने से क्या फायदा है? सुनीता देवी, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो तुम भी नहीं बच सकोगी। तुम्हारा नाम, तुम्हारी शौहरत सब कुछ। तुमने ड्राइवर, चलो। मिस्टर दत्त, कहिए मिस्टर रंजीत मलिक, कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा सीन? मिस्टर दत्त, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। कहिए। या नहीं तो फिर हमारे साथ चलिए। अभी नहीं। अच्छा, तो फिर आप बाद में आएंगे, मैं आपका इंतजार करूंगा मिस्टर रंजीत मलिक। शुक्रिया। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, तुम पहचान लिए गए हो मिस्टर नरेश दत्त। इसमें क्या शक है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। कम, लेट्स हैव अ ड्रिंक। उस दिन जो फैसला अधूरा रह गया था, उसे पूरा होने से पहले ही तुमने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया था। हाँ दिया था, लेकिन उस दिन तुम बच गए थे, आज तुम नहीं बच सकते। मैं यहां हूं रंजीत मलिक, सिर्फ 3 गोली। मिस्टर रंजीत मलिक, मैं तुम्हें अपना जिगरी दोस्त समझता था, इसलिए हाथ नहीं उठाना चाहता। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए इन्हें भी ले आया, यही है मेरे जिगरी दोस्त। और ये है इनका कन्फेशन। गुड नाइट इंस्पेक्टर। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर रंजीत मलिक एंड गुड लक। इंस्पेक्टर। ओ थैंक यू। हेलो। हेलो। हेलो सुनीता देवी जी, रंजीत, रंजीत वहां आया है? आए थे, अभी अभी चले गए। मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। जी क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हैं। मुझे मुझे इसी वक्त आपसे मिलना है, कहानी का अंजाम जानना है ना। आइए मैं आपकी राह देख रहा हूं। तो मैंने जो कुछ भी सोचा था वही सच निकला, मगर इस बार भी तुम्हारा रंजीत मलिक कामयाब ना हो सका। मैंने उसे ठीक जगह पहुंचा दिया है, इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ भी यही सलूक कर सकता हूं, मगर नहीं, मैं तुम्हें इससे भी बढ़ के सजा देना चाहता हूं। नहीं, मेरा यकीन करो, आज जो कुछ भी मैंने देखा ये सब मुझे मालूम नहीं था। उस कमीने ने मुझे यही बताया था कि तुम कि मैंने खुदकुशी कर ली।
और उसका यकीन करके उस वक्त तुम खामोश रही, क्योंकि तुम्हें अपने अरमान पूरे करने के लिए रंजीत मल्लिक की जरूरत ज्यादा थी। आज वही रंजीत मल्लिक तुम्हारी नजरों में कमीना बन गया है। कितनी खुदकर्श हो तुम रेखा, तुम्हारी हवस के आगे पति का प्यार, मां की ममता कुछ माने नहीं रखते। रेखा, जिंदगी में तुमने जो कुछ चाहा वो तुमने पाया, मगर कुछ पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और आज तुम्हें वह कीमत चुकानी ही पड़ेगी।